एक बहुत बड़ी चीज लेनी है दिवाली तक, मतलब जो ड्रीम है भाई मेरा, बहुत सेकंड क्लास से सपना है भाई, जब से होश संभाला है जब से ही है वो सपना। तो मतलब बुलेट बुलेट लेनी है दिवाली पे भाई। और तो जो मेरी बाइक का मीटर है वो मतलब फ्यूल शो नहीं कर रहा, बस ऐसे ही डांसिंग एलईडी आ रही है पता नहीं। फिर भाई अब ट्यूशन का टाइम हो चुका है क्योंकि 5 बज चुके हैं और मैं ट्यूशन जा रहा हूँ डेयरी पे दूध लेने के लिए, लेकिन अभी तक वो भैया नहीं आए हैं। 15 मिनट कह के आधा घंटा तो होने को जा रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो सारे? मैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, तो आप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं व्लॉग बना रहा हूँ। यदि मम्मी बैठी हुई हैं, कितने दिन हो गए होंगे, 3-4 दिन हुए हैं मुश्किल से मुश्किल। लेकिन भाई हमने एक फैसला लिया है क्योंकि यार हमें एक बहुत बड़ी चीज़ लेनी है दिवाली तक, मतलब जो ड्रीम है भाई मेरा, बहुत सेकंड क्लास से सपना है भाई, जब से होश संभाला है जब से ही है वो सपना। तो भाई क्या लेना मम्मी दिवाली पर हमें, मतलब लेना की कोशिश करनी, क्या है बताओ बताओ। नहीं दिवाली पर लेना भाई हमें, मतलब बुलेट लेनी है दिवाली पर भाई। अब बहुत चला ली पैशन प्रो दिवाली पे, सीधा बुलेट। इसीलिए हम अब रोज व्लॉग डालेंगे ताकि दिवाली तक हमारा इतना कुछ हो जाए कि हम बुलेट ले सकें अपने मेहनत से अपने पैसों से। तो ये बैठे खाना जी भाई, इनकी कृपा हुई तो सब कुछ हो जाएगा। तो भाई बुलेट तो बुलेट है यार, भले ही पेट्रोल ज़्यादा खाती है लेकिन बुलेट तो बुलेट है। ये बैठे भगवान जी, कृपा करो भगवान जी, बुलेट लेनी है अब जल्दी से जल्दी भाई। पता मम्मी जो बुलेट में वो आवे ना एक फील सी, वो किसी भी बाइक में नहीं आता। आवाज नहीं सुस्ती, मतलब आवाज ही चलाया है, अलग लगाया है। धड़ 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 बुलेट भाई साहब, अलग ही रॉयल फील आती है भाई। सपना है, लाइक कर दो इसी बात पे यार, मुझे बुलेट चाहिए दिवाली तक। तो आप भी सपोर्ट करो, भगवान आपके भी जो सपने हो दिवाली तक पूरे कर दे। तो फिलहाल मैं और मम्मी आए हुए थे दवाई लेने के लिए डॉक्टर के। मम्मी को आपको पता ही होगा कि मम्मी को लीवर में दिक्कत है थोड़ी सी, तो उसकी दवाई लेने आते हैं हम और मम्मी। फिलहाल यार ये देखो जो मेरी बाइक का मीटर है वो मतलब फ्यूल शो नहीं कर रहा, बस ऐसे ही डांसिंग एलईडी आ रही है पता नहीं। पहले तो मैं खुश हो गया कि कुछ नया फीचर अनलॉक हो गया है, शायद कोई बटन मैंने ऐसा दबा दिया होगा। फिर मुझे पता चला कि भाई जो वायरिंग होती है फ्यूल की उसमें कोई दिक्कत आ गई है, जिससे कि मीटर शो नहीं कर रहा है, ऐसे डांसिंग कर रहा है बस, जब से शो नहीं कर रहा। एक बार मैंने धुला था इसे तब तो शो हो रहा था, मतलब थोड़ा वायरिंग में पानी वानी चला गया होगा तो करंट आ गया होगा, तो तब तो इसने शो किया था। उसके बाद तो फिर ये ऐसे ही डांस कर रहा है। ये फिलहाल अभी मम्मी की दवाई लेके आके एक कप चाय पी के खाना खा के हम सो गए थे। फिर भाई अब ट्यूशन का टाइम हो चुका है क्योंकि 5 बज चुके हैं और मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, लेकिन मम्मी छुट्टी करना चाहता था मैं, लेकिन ऐसा नहीं करती, पैसे जाते हैं ये बोलते हैं, इसलिए जा रहे हैं ट्यूशन भाई, चलो चलते हैं। फिलहाल अभी मैं ट्यूशन से आ गया हूँ, मतलब आ गया था बहुत पहले, लेकिन आज जिम नहीं गया भाई, जिम जाने का मन सा नहीं हो रहा था। और फिलहाल मैं आया हूँ भाई डेयरी पे दूध लेने के लिए, लेकिन अभी तक वो भैया नहीं आए हैं। 15 मिनट कह के आधा घंटा तो होने को जा रहा है, लेकिन आए नहीं अभी तक। फिलहाल यहाँ जाके अभी मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है, मतलब मुझे याद आता है कि मैं जिम से आने के बाद कुछ खाता पीता हूँ, तो वो भूख सी लग रही है थोड़ी बहुत। देखते हैं अभी 5-10 मिनट में होते हैं भैया आएँ, फिर यार मैं दूध दे के जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि यार फिर थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो बार बार आऊँगा जाऊँगा, इसलिए मैंने सोचा कि बढ़िया है कि वेट ही कर लेता हूँ, पेट्रोल बच जाएगा। फिलहाल अभी मैं डेयरी से घर आ गया हूँ, मतलब आ तो बहुत पहले गया था, डिब्बा लेके आना पड़ा था मुझे भैया, फिर लेट आए बहुत ज़्यादा, तो अभी 10-15 मिनट पहले दूध दे के गए होंगे, है नहीं भाई। मम्मी की हो रही है तबीयत अच्छी ख़राब, मम्मी ने अपने चेहरे पे दवाई लगा रखी है। और फिलहाल आज के इस व्लॉग को यहीं पे ही करते हैं एंड। अगर आपके व्लॉग थोड़े से पिछले लगो तो इस व्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना। और भाई टारगेट याद रखना है आपको भी और मुझे भी, कि दिवाली तक या दिवाली के दिन घर पे एक रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 खड़ी होनी चाहिए।